सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेआर एप्लीकेशन के अंदर ओटीपी वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है। जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड ओटीपी मंगवाते हैं, सो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड ओटीपी नहीं आ पाती है और यहाँ पे आपका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। सो कैसे आप इसको ठीक करोगे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वेरिफिकेशन कोड ओटीपी नहीं आती है या फिर ओटीपी अगर आप डालते हैं तो लिमिट रीच की इश्यू यहाँ पे आ सकती है। लिमिट रीच बता रहा है। सो कैसे आपको इसको ठीक करना है, सबसे पहले जब भी अगर आपको ओटीपी नहीं आती है सो मोबाइल नंबर आपको चेक करना है। ये मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में है और यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पर जो है वेरिफिकेशन कोड या फिर ओटीपी रिसीव की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये चेक करना है। उसके अलावा फिर भी अगर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है या फिर अगर आपके पास मैसेज पैक नहीं है इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलती है जिसमें नीचे लिखा है व्हाट्सएप। अगर आपका ये नंबर व्हाट्सएप पर रजिस्टर है सो व्हाट्सएप पर आपको जो है एप्लीकेशन जो है ओटीपी भेज देगा और वहाँ से भी आप इसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिसको भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाते तो SMS या फिर कॉल के थ्रू भी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड OTP मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइमर जैसे ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप जो है बैक चल जाना, सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर वापस आपको चेक करके डाल देनी है और गेट OTP पर यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप ये करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। 30 सेकंड का टाइमर ख़त्म होने के बाद यहाँ से आप कॉल से या फिर आप डायरेक्टली मैसेज से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी OTP ले सकते हैं। व्हाट्सएप का एक बार आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे कॉल का यूज़ कीजिए, कॉल के थ्रू भी आपको वेरिफिकेशन कोड OTP जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।